जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नील, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आइए बैठिए, मैं खाना सर्व कर देती हूँ। वैसे अब तो नील आपको आदत हो ही गई होगी ना मेरी जली हुई रोटियां खाने की। चलिए खाइए। सॉरी। क्यों नील, खाना खाने से पहले ही चाहत। पता है क्या, मैं अंदर गया ना तो चाहत, लिसन टू मी, व्यास जी बहुत इंसिस्ट कर रहे थे और मैं मना नहीं कर पाया, तो मुझे साथ में बैठकर खाना खाना ही पड़ा। सच्ची नील, आपने बाबा के साथ खाना खाया? नील आई एम सो हैप्पी। जो चीज मैं रोज अल्लाह मियां से मांगती हूँ कम से कम वो पूरी तो हो रही है। नहीं मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा? आई मीन तुमने मेरे लिए खाना बनाया, मैंने तुम्हारे बगैर खाना खा लिया। ऑफ कोर्स नॉट, मुझे क्यों बुरा लगेगा। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपको मेरे हाथों की बनी हुई जली रोटियां नहीं खानी पड़ी और मुझे गिल्ट तो नहीं होगा इस बात का। वैसे नील, अगर आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। चलो मैं था तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, मैं था तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। चाहत तुम ऑसम हो सच में। मतलब ये ना, ये भक्स की प्रार्थना का नतीजा है कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। तुम देखना, तुम एक ना एक दिन ना सारे घर वालों को दिल जीत दो। आमीन। पति शेफ है और इतनी खूबसूरत बीवी को काम पर ले जाने के लिए अच्छा खाना ना मिले, ये भी कोई बात हुई भला? ये भी ना। अम्मी, अम्मी आपको बताए, मैं तो मजाक में कहा करती थी कि मैं किसी खान सामे से शादी करूंगी, पर अल्लाह मियां ने मेरे मुंह से कही हुई बात सच कर दी। वैसे अम्मी, मैं ना शायद कभी अच्छा खाना नहीं बना पाती क्योंकि नील इतने बड़े शेफ है और उनके कंपैरिजन में मैं क्या खाना बनाऊंगी। खाना? अच्छा अम्मी, मैं ना बहुत लेट हो रही हूँ, आपसे शाम को मिलूंगी। बाय। ये डब्बा सरस्वती दीदी के कंगन, इन्हें
तूने हमारे घर के बाहर कौन छोड़ गया? पापा, कहीं गलती से पापा के हाथ से ये डब्बा छूट तो नहीं गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा ने जानबूझकर? शायद उम्मीद तो है कि एक ना एक दिन बाबा का दिल जरूर पिघल जाएगा और वो मुझे अपनी बेटी मान लेंगे। बाबा से इन कमलों के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं है। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं नील से पूछ लेती हूँ। हेलो, यस डॉक्टर सिन्हा, मैं 15 मिनट्स में पहुंच रही हूँ। यस शॉप, मैम नहीं नहीं मैं लेट नहीं होंगी। या आई एम कमिंग। कंगन देखकर वो सोच रही होगी कि आपका दिल उसकी तरफ नरमा गया है। जब सच्चाई पता चलेगी ना, तो सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ पप्पू? जो लोग मुझे इसलिए काम नहीं देना चाहते क्योंकि मेरी चाह दूसरे धर्म की है, तो ऐसे लोगों के पास तो मुझे खुद भी काम नहीं करना है। हाँ ठीक है, अरे नहीं करूंगा शेफ का काम यार, कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। तू चिंता मत कर, बस तू अपना ध्यान रख। चल मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बाय। दादी अम्मी, सब ठीक है? आप जाइए। दादी अम्मी, आपको आपको सड़क पर देखकर चलना चाहिए ना, वो गाड़ी आपको उड़ा देती। ठीक तो है आप, आपको लगी। छुआ मत हमें, उड़ा देती तो उड़ा देती, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी वजह से ही अजाब हमारे सर आया है। जानते हो आज राहिल का अस्पताल नीलाम होने जा रहा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अस्पताल को बचा सके। तुम्हारी इस नापाक मोहब्बत की वजह से राहिल के भाई भी उससे इतने खफा हैं कि वो भी मदद देने से इनकार कर रहे हैं। हमारा सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और उसकी वजह तुम हो। ओ भयंकर, डॉक्टर बेग का हॉस्पिटल नीलाम हो रहा है। ये तो डॉक्टर बेग की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है और चाहत का भी तो यही सपना था ना कि उस हॉस्पिटल को फिर से शुरू किया जाए। हमारे प्यार के इतनी बड़ी कीमत हमारे परिवार वालों को चुकानी पड़ेगी, ये तो सोचा ही नहीं था हमने। चाहत, किस मुंह से चाहत को ये सच्चाई बताऊं मैं? एक और बार ट्राई करती हूं। नील भी ना, जब भी कोई गुड न्यूज देनी होती है तो फोन ही नहीं उठाते हैं। अब जब तक मैं नील को ये बात ना बता दूं कि बाबा ने मेरे लिए सरसों दीदी के कंगन छोड़े हैं, मेरे तो पेट में बात ही नहीं बचेगी। मैं फिर से एक बार कॉल ट्राई करती हूँ। मामी, अब हेलो मामी। हेलो अनिलकंठ की बुआरी, एक काम से आते समय रुक के थोड़ी मिठाई लेते आना है? मामी मिठाई क्यों? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता है, व्यास जी बोल रहे थे। अगर नहीं ला सकती है तो कोई नहीं, मैं बाजार से ले आऊंगी। हाँ नहीं 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 मामी, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मिठाई ले आऊंगी अपने साथ जब आऊंगी। अच्छा ठीक है, ओके।
पहले पापा ने मुझे सरस्वती जी के कंगन दे दिए, अब मिठाई मंगवा रहे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।